हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन अंडमान लवर चैनल। और आप लोग कुछ दिनों से वेट कर रहे थे कि क्या हुआ, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो नई इन्फॉर्मेशन है, उससे पहले मैं दो नए चेहरों को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये देखिए दो नए चेहरे हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शांतनु। और आपका नाम? शांतनु और रितिका। तो ये शांतनु और रितिका हैं। तो हम एक जगह पर हैं जो कि ट्राई कलर के पास है, और अब पीछे का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। वो कौन सा आइलैंड है, शायद शांतनु और रितिका हमें बता पाएं। पीछे जो दिख रहा है वीडियो में, कौन सा आइलैंड है वो? रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड है। देखिए ये आज ही पहुँचे हैं आप। बिल्कुल आज पहुँचे हैं। और आज हम लोग एक्चुअली हमारा फ्लाइट कोलकाता से था, स्पाइस जेट का फ्लाइट, जो हमें 12:30 के अराउंड पोर्ट बेयर में हमें उतारा। तो फिर वहाँ से हम लोग होटल गए, फिर फ्रेश वेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया, फिर हम लोग यहाँ पे फ्लैग पॉइंट में आ गए। फ्लैग पॉइंट में आ गए। तो ये हैं हमारे नए कपल शांतनु एंड रितिका ऑन अंडमान लवर। तो मैंने आप दोनों का बहुत आप दोनों का स्वागत करता हूँ, ठीक है। और होपफुली आपके जैसे वंडरफुल कपल को बहुत सारे कपल देख रहे होंगे, क्योंकि यू मेड इट, फाइनली यू मेड इट फॉर अंडमान। एंड आपसे इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे कपल प्लानिंग बनाएंगे। आप लोगों की स्माइल और खुशी बता रही है कि आप लोगों को ये प्लेस कैसी लग रही है। लेकिन फिर भी मैं पहले रितिका से पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपको आए हुए कुछ ही घंटा हुआ है, तो कैसी वाइब्स लग रही है आपको? आई लव दिस प्लेस, दिस इज सो प्लीजेंट टू आई लव इट, सिंपली आई लव इट। तो ये देखो, बिल्कुल उन्होंने सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया। और शांतनु का क्या है? शांतनु तो बता ही देगा, शांतनु क्या बताइए। अच्छा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फ्लैग पॉइंट पहुँचे थे करीबन 5 बजे के, हाँ 5 बजे के आसपास। उस टाइम में एक्चुअली काफ़ी धूप तो नहीं थी, बट ड्यू टू द ह्यूमिडिटी यहाँ पे हम लोग पसीना पसीना, बहुत गर्मी लग रही थी। अभी आई थिंक ये जब शूट हो रहा है वीडियो, तो इट्स अराउंड 5:30, 5:30। तो इतने कम समय में वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। अभी मतलब हवा आ रही है और जो ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी फील नहीं हो रही है, बिल्कुल मतलब कूल और रिलैक्सिंग वाला एनवायरनमेंट है अभी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये लोग हैं दोनों अलग अलग प्लेस से। ये हैं भाई साहब आसाम से। आसाम की भी फेमस जगह है जहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ से हैं। और मैडम तो बिल्कुल खतरनाक प्लेस से हैं, आप ही बताइए। ये तो चकदे फट्टे हैं। पंजाब तो पंजाब से है। और आप लोग क्यूरियस होंगे तो मैं शांतनु और रितिका से ही बात करके पूछना चाहूँगा कि आप, हम तीनों लोग आज खड़े हैं, ये खड़े हैं अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस चैनल अंडमान लवर। लेकिन मैं ये सभी लोगों से पूछता हूँ, जिससे क्या देखने वाले लोग जो हैं वो समझ पाएँ। तो आप लोगों कैसे मेरे पास पहुँचे, जब आप प्लानिंग कर रहे थे तो अंडमान लवर्स तक कैसे आप पहुँचे? एक्चुअली हम दोनों का प्लान था ये कि हमारी जब फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, एक्चुअली हमारे आज के दिन हमारा फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। ओह कंग्रेचुलेशन, अरे तो बताया ही नहीं आपने। चलिए, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि बेसिकली हम लोग अंडमान घूमने आए। तो उस दौरान फिर हम लोगों ने एक्चुअली, हम दोनों काफ़ी जगह हमने घूमा है। तो प्रीवियसली जो हम नए प्लेसेस में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ के आसपास लोगों से पूछते हैं, या पहले ही यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो वैसा रहता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बुक कर देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब भी हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, यूट्यूब वाले चैनल कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ जाके पता चलता है कि ये ऐसा नहीं है, कुछ और ही मतलब वो है। तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और एक्चुअली हमारे पास जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत काफ़ी बिजी है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप मतलब इंडिविजुअली सब कुछ प्लान करो। तो इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स और ये सब मतलब गूगल के थ्रू काफ़ी सारा ढूंढा, तो हमें मिला था बहुत सारे। लेकिन फिर मैं एकदम से मेरा वो गया कि मुझे एक बार मन किया कि लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह, लेटेस्ट मतलब क्या अपडेट्स हैं अंडमान से, तो वो कैसे पता चले।
तो वो वैसे टाइप किया तो मुझे ये मन्नू सर मिले हमारे जो बहुत ही अच्छा, मतलब इनके जो मतलब वीडियोस हैं वो काफ़ी जेन्युइन लगे हमें, प्लस ये जो हाँ इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव है, यस। और एक और चीज़ क्या बता रहे थे आप? हाँ जी, और एक चीज़ है कि ये मतलब ऑन पीरियडिकल इंटरवल्स मतलब अपडेट्स देते रहता है कि जैसे अभी का क्या सिचुएशन है, कोविड का क्या सिचुएशन है, वेदर का क्या सिचुएशन है, रेन का क्या सिचुएशन है, मतलब ये सब अपडेट्स जो भी मतलब जिसका ट्रैवल है, मान लीजिए मेरा ट्रैवल कल को है, परसों को है, तो हम लोग बहुत टेंस होते हैं कि वहाँ जाएंगे और पता चला बारिश हो रही है तो हम लोग का पूरा प्लान स्पॉइल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है मतलब अपना चैनल में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने का, लेटेस्ट अपडेट्स देने का, आई थिंक इट्स वेरी अप्रिशिएबल एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, थैंक यू। एंड आई थिंक उनके चैनल से जो भी मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं उनको मतलब बहुत मतलब हेल्प हो रहा है। तो शांतनु का भी क्या है, ऑलमोस्ट प्लानिंग हमने ही करी है, तो सारी प्लानिंग हमने ही की है। तो शांतनु, तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये कहीं फेक तो नहीं है? मतलब कम्युनिकेशन हुआ हमारा, फ़ोन पे बात हुआ, तो फ़ोन से तुमने कैसे फिगर आउट करा कि जेन्युइनिटी है या नहीं है? एक्चुअली हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, जिस मतलब प्रोफेशन से हम लोग आते हैं थोड़ा हम लोग का मिलता जुलता बैकग्राउंड है, तो ऐसे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ। प्लस इनकी बातें वगैरह बहुत ही अच्छी लगी, मतलब वो बिजनेस टाइप का नहीं था जो आप नॉर्मली अगर कोई मतलब दूसरे टूर प्लानर के साथ अगर आप बात करोगे तो जैसा वो होगा तो वैसा टाइप का मुझे नहीं लगा। तो धीरे धीरे मतलब और जितना बात करते गए वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो ऋतिक, कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या प्लान, हमने क्या प्लान बनाया, आज आप यहाँ पे हैं, कल कहाँ निकलने वाली हैं? कल हम फेरी के थ्रू हेवलॉक जाएंगे, आफ्टर 3 डेज हम नील आइलैंड जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कम बैक हियर अगेन फॉर मोर एक्सपोजर। फॉर मोर एक्सपोजर, वंडरफुल। सो 3 दिन का इन्होंने प्रोग्राम मस्ती का बनाया हुआ है हेवलॉक का, और इन्होंने चूंकि मुझे शुरू में नहीं बताया और इनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई विश आप दोनों की बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ रहे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप लोग रहें, ठीक है? तो और हम लोग भी बोलेंगे कि आपका ये जो इनिशिएटिव है यूट्यूब चैनल के थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, ये आपका इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो और आपके चैनल को मतलब एप्रिसिएशन मिले, मतलब जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले हैं उनसे। मैं तो देखो शांतनु के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई है ना ये इनकी वाइफ भी जानती है, रितिका भी जानती है तो हो सकता है बीच बीच में हमने ज़्यादा बात की, रितिका से उन्होंने कम की हो लेकिन मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, हमारी इसने सही बोला, हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत मैच करती थी, तो मैं खुद से ही इनको कॉल कर लेता हुआ, इनका बहुत दिन कॉल नहीं आया, मैं कल अरे भैया तैयारी हो गई नहीं हो गई, ये रख लिया नहीं रख लिया, ये सामान रख लो, लास्ट समय चलते चलते समय भी मैंने इनको बोला, मतलब आज तक आई थिंक मुझे किसी ने ये नहीं बोला था कि आप ये फास्ट मतलब फर्स्ट एड में ये रखो चीज़, मतलब वो सब क्योंकि मैं वो चीज़ अपने करते हैं, कोई मतलब टूर प्लानर तो नहीं करता, आई डोंट थिंक सो। मुझे क्या लगता है अपना आ रहा है, अपनी अपन भी किसी टाइम इसी एज में थे अभी पापा मम्मी बन गए बात अलग है, लेकिन मुझे अपने दिन याद आते हैं तो अरे मैंने कहा यार जो हमने फील किया वो और फील ना करें, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अगर वो साथ रख लेना, देखिए होने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है मैक्सिमम कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है, हम भागते नहीं हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों को हम प्लान करके रखते हैं। तो ये छोटा सा इन दोनों का इंटरव्यू है, और देखो ये 3 दिन हेवलॉक हमने इनका प्लान किया है क्योंकि इनकी डिज़ायर थी हेवलॉक 3 दिन रुकने की, ऐसा नहीं है कि 3 दिन करना है ज़रूरी, उसका अलग अलग है, इनकी डिज़ायर थी, फिर 1 दिन नील किया है, नील को 2 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग है पॉइंट के हिसाब से, काफ़ी डिस्कशन करके हमने ये आइटनरी डिज़ाइन की। तो अभी घूम के आएंगे और घूम के आके फिर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप में से जो लोग देख रहे हैं आप सबको बेस्ट विशेस और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे जल्दी, बाय।